guys, welcome to Style Talkies. This is Drishti Pathak and this week's video is about hair. Not hair care, but just hair. Of course, हम आगे की videos में hair care की बातें भी करेंगे और काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं. But आज की बात होने वाली है about a very common issue जो हम सारी लड़कियाँ face करती है. मैं भी face करती हूँ बहुत ज़्यादा. वो है कि जब हम बाल कटवा लेते हैं तो हमें लंबे बाल चाहिए, है ना. और जब हमारे बाल लंबे होते हैं तो हमें शॉर्ट हेयर चाहिए. सीज़न के हिसाब से आपको तो आपका लुक बदलना है, बट आपके बाल तो सीज़न के हिसाब से ग्रो नहीं होने वाले. वो तो अपना ओन स्वीट टाइम लेने ही वाला है. सो ऑफ कोर्स वी ऑल क्रैक्ड अ सॉल्यूशन एंड दैट इज़ हेयर एक्सटेंशंस, उर्फ फेक हेयर, उर्फ क्लिप ऑन्स, कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को. एंड आई पुट माई हैंड्स ऑन सिंथेटिक हेयर विच रेंजेस फ्रॉम 250 rupees टू आई थिंक अराउंड 2000 to 5000 bucks, that's all. It depends on the quality that you take, it depends on the length that you choose, the color that you choose. I ordered mine from Nykaa. काफी लोगों का ये problem होता है when it comes to synthetic hair कि वो ये सोचते हैं कि हम synthetic hair को curl क्यों नहीं कर पाते. Every time we use a tong machine or a roller or anything of that sort, कभी भी वो stay नहीं कर पाता है. तो वो क्यों नहीं कर पाता है और उसे कैसे हम स्टे करवा सके, उसके टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो हियर आर माय हेयर एक्सटेंशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा टैंगल्ड कंडीशन में है और मैं जानबूझ के उसको ऐसे कंडीशन में यहाँ पे लेके आई हूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि हाउ कैन यू डी टैंगल देम विदाउट अ लॉट ऑफ फस. लॉट ऑफ पीपल गो ओवरबोर्ड विद देयर हेयर एक्सटेंशंस की ब्रश मारे जा रहे हैं फिर उनके बाल टूट जाते हैं. इनफैक्ट एक्सटेंशंस का ख्याल आपको आपके रियल बालों से ज़्यादा रखना पड़ता है. नो यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑयलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, उतना कुछ नहीं करना पड़ता. बट मेक श्योर कि जब आप इसे कॉम कर रहे हो तो बी वेरी जेंटल ताकि इसके ज़्यादा ड्रॉप आउट्स फॉल आउट्स ना हो एंड ये आराम से डिटैंगल हो जाए. ट्राई यूजिंग अ बिग माउथेड कॉम, ठीक है, क्योंकि इससे बाल कम टूटते हैं. एंड जेंटली जेंटली कीप कॉमिंग, जहाँ पे ये अटक जाता है लेट इट बी, डोंट डू दैट. धीरे धीरे वील कीप स्ट्रेचिंग इट डाउन. सो नाउ दैट आई हैव कम्प्लीटली डिटैंगल्ड द हेयर एक्सटेंशंस, दे स्टिल लुक फ्रिजी, दे स्टिल लुक मेस्ड अप बिकॉज आई हैड कर्ल्ड देम इनिशियली. बट हाउ आई एम गोना डू दैट नाउ इज व्हाट आई एम गोना रिकॉर्ड एंड शो यू. जैसे कि लोग कंप्लेन करते हैं कि एक टॉन्ग मशीन के साथ कर्ल्स नहीं होते हैं, तो आई एम गोना शो यू हाउ इट्स डन. आप अपने मशीन को 180 डिग्री से ज़्यादा मत रखना वरना गया आपका एक्सटेंशन. सो नाउ आई एम गोना बी कीपिंग दिस फॉर लाइक 6 to 7 seconds ओनली, नॉट टू मच. सो नाउ सी टोंग नहीं आया है, ये सबका कंप्लेन होता है. अब इसको करना कैसे, नाउ दैट आई हैव रिमूव द मशीन आई टेक माय फिंगर, रोल द हेयर अप एंड टेक अ क्लिप, पिन इट अप एंड लीव इट फॉर नाइस 2-3 minutes. आई एम गोना टेक अनदर स्ट्रैंड एंड डू द सेम सो आई कैन शो यू टू ऑफ द स्ट्रैंड्स, कर्ल स्ट्रैंड्स. 5 to 7 seconds and it's out. आप ऐसे भी रख सकते हो so that you don't have to use your finger. गर्म लगता है बाल and just put your clip. I'm gonna open this one now and here it is. Now do you see the definition? Do you see the bounce? तो खाली मशीन से आपको आपके कर्ल्स नहीं मिलते हैं. यू नीड टू पिन इट अप, कीप इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन सी दिस पार्ट ऑफ द हेयर एंड सी द अदर वंस. इसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है और इनमें नहीं. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं सारे बाल को कर्ल करके वापस आती हूँ, तब तक आप लोग वेट कीजिए. एंड टाडा, वी गॉट आवर एक्सटेंशंस कम्प्लीटली कर्ली. हमने टॉन्ग मशीन यूज़ किया, उसके बाद एक एक पोर्शन को क्लिप किया और उसको रखा थोड़ी देर के लिए और फिर खोल दिया. उससे फिर ये ज़्यादा देर तक टिकते हैं, प्रॉपरली कर्ल हो जाते हैं एंड दे लुक लवली, डोंट यू थिंक सो. टुडे माय लुक इज़ अ पोनी टेल, सो आई एम गोना कंटिन्यू द पोनी टेल. यू कैन ऑल्सो वेयर एक्सटेंशन विद ओपन हेयर और विद डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल्स, इवन ब्रेड्स.
there's a lot that you can do, but this is what I'm gonna be doing. Okay, so I've made a bun. I'm just gonna use a little bit of spray so that, you know, this whole portion does not get frizzy and stays tight. I've worn them. I don't really want a lot of volume in my hair. I just wanted a little bit of you know, curls and lightweight. But agar aapko zyada volume chahiye to aap do extensions pehen sakte ho. Kafi log aise extensions bhi, you know, provide karte hain jo alag alag, you know, sections mein aate hain. So some you can clip here, some you can clip here according to layers. Layer wale bhi aate hain. You can also cut your extensions. If you want to know how to cut your hair extensions, I will come up with that video as well. But for now, for today, it's about how to curl your synthetic hair. And today is a ponytail look. So guys, this is how my extensions look like. I'm just wearing one layer because I didn't really want very heavy hair. I wanted to keep it really light and bouncy so that, you know, when I go out or whatever, to mujhe zyada headache ya kuch na ho. But people who are comfortable, they can wear two layers, they can wear three layers. You also get extensions that come with different sections where you can attach, you know, tidbits of hair on the sides, and you know, alag alag jagah pe crown area mein aap fix kar sakte ho. Tell me, how do you guys find my hair? And do not forget to you know, write in the comments ki aap kaun se type ke videos dekhna chahoge, kaun se tutorials dekhna chahoge. So I'll be really really happy to bring those kind of videos for all of you. And yeah, like karo, share karo, subscribe karo yaar.